देख रहे हैं अंग्रेज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या धाम के लिए हुई रवाना। आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम आस्था स्पेशल ट्रेन भागलपुर से रवाना हुई, जिसमें शहर से 234 की संख्या में कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद और RSS कार्यकर्ता सवार हुए। सभी भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर था। रेलवे स्टेशन परिसर हनुमान चालीसा और श्री राम नाम के जय घोष से गुंजमान हो गया। सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर रुद्राक्ष ID कार्ड पहनाकर ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन की रवानगी को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी थी। मौके पर मालदा डिवीजन के TRM शिव कुमार जी भी मौजूद थे। आस्था स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की रात 9 बजे रवाना हुई और सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी। दोपहर 11:20 में वाराणसी और 3:40 पे अयोध्या धाम पहुंचेगी। बता दें कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार सेवक और BHP के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है, जिसको लेकर जैसे ही रेल मंत्रालय ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की, इन लोगों ने जत्था बनाया और इनके साथ ही कई आम श्रद्धालु भी अयोध्या धाम के लिए इस यात्रा में शामिल हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि राम जी के मौसी के घर से यहाँ के जो राम प्रेमी है, राम जी में जिनकी अपार श्रद्धा है, वो सब लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद राम लला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और भारतीय रेलवे ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और जो उनका ये आध्यात्मिक जो यात्रा है, अपने राम लला से मिलने की यात्रा को रेलवे ने बहुत ही सुगम बना दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेलवे डिपार्टमेंट के सभी सहयोगियों को मैं उन्हें बधाई देती हूँ और साथ ही साथ मैं उन्हें बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ जिन्हें यह मौका मिल रहा है। बिल्कुल, राम जी के मौसी का घर है यह अंग क्षेत्र। देखिए, सब लोगों के मन में पूरी आस्था है और यहाँ से जो सौगात, जो भागलपुर की जो सौगात है, वो अपने अपने रूप में यहाँ के सिल्क की साड़ी है, सिल्क का चादर है, कतरनी चूड़ा है, कतरनी चावल है, सब लोग अपने अपने श्रद्धा से अपनी अपनी क्षमता अनुसार वहाँ पर अर्पण करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ से श्रद्धालु वहाँ अयोध्या को प्रस्थान हो रहे हैं। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा है, भक्त का अपने आराध्य से मिलन की यात्रा है और इसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के लोग जा रहे हैं। कितने की संख्या में श्रद्धालु हैं? लगभग 1200 की संख्या है, विश्व हिंदू परिषद के 425 की लगभग संख्या है। श्रद्धालुओं के लिए, राम भक्त के लिए ये आस्था स्पेशल ट्रेन में रेलवे की तरफ से उत्कृष्ट, बेहतरीन से बेहतरीन सेवा सुविधाएं, हमारे हर एक कोच में सफाई वाले हैं, बेड रोल वाले हैं, डॉक्टर हैं, दवा के साथ हैं, RPF की सिक्योरिटी हैं और सभी जो है एक बेहतर सुविधा देने के लिए उनके जो राम भक्त जा रहे हैं, यात्री के रूप में जा रहे हैं, तो उनकी कोई भी शिकायत हो उसमें वो तत्पर जो है उस शिकायत को पूरा करने के लिए, उनको सेवा देने के लिए और उनका जो है ये यात्रा सुखमय हो, सहज हो और आरामदायक हो और गंतव्य पर पहुंचे, उसमें जो रेलवे हर तरफ से पूरी जो है व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था की गारंटी देती है और वो लोग की व्यवस्था इसमें की गई। हम खुद राम भक्त हैं, व्यक्तिगत रूप से हम खुद राम भक्त हैं।